हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता रावल व्लॉग्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो है स्कॉलरशिप। यस, यू हर्ड इट राइट, स्कॉलरशिप। सो बेसिकली मैंने एक नोट भी प्रिपेयर करके रखी है कि आपके कौन से क्वेश्चन हैं। जो मैंने लास्ट टाइम स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, उसे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि क्या हम फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है एंड एवरीथिंग। सो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द डाउट्स हियर। सो फर्स्ट मैं ये बताऊंगी कि इन जनरल कॉलेज के बारे में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या होता है एक्चुअली स्कॉलरशिप और क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलती है। एंड द सेकेंड पार्ट इज, जैसे कि मैं शेडन कॉलेज में हूँ तो मुझे उसकी प्रोसेस सारी पता है कि कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं, तो वो मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अप्लाई किया था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए और मुझे वहाँ पे फॉलो करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में हर एक स्टोरी मैं बहुत ही जल्दी डाल देती हूँ। जो भी अपडेट होती है, कुछ हायरिंग की या कुछ भी एक्स वाई जेड रिलेटेड टू दी स्टूडेंट्स। सो या डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर वन, कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप? सो यस, डेफिनेटली यस। आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो मुझे भी दो स्कॉलरशिप मिली है। फर्स्ट वन जो आई थिंक सो सबको मिली होगी, जो है इंटर्न स्कॉलरशिप फॉर शेडन कॉलेज। एंड द सेकेंड वन इज जो मैंने खुद से अप्लाई की थी इन माई थर्ड सेमेस्टर। सो मैं इसके बारे में बात करती हूँ, पर यस, इस क्वेश्चन का आंसर यस, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। देर आर सम क्राइटेरियाज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड डोमेस्टिक स्टूडेंट, जो कि मैं बताऊंगी। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या होती है। सो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। अलग थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होके वो स्कॉलरशिप देना चाहती है तो उसकी अमाउंट कुछ अलग है, शेडन कॉलेज की अलग है, SSU की अलग है। सो इट टोटली डिपेंड्स। बट या जब आप स्कॉलरशिप फिल कर रहे होगे फॉर्म, तो उसके साथ में दिखाई देगा कि इसकी अमाउंट कितनी है, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। बट आई थिंक मेरे हिसाब से जो भी अमाउंट है इट्स रियली गुड, कि एटलीस्ट कोई चांस मिल रहा है, कहीं से पैसे आ रहे हैं और जो कि हमारी स्टडी में जा रहे हैं, राइट? सो या, वॉट एवर द अमाउंट, इट्स गुड। द थर्ड क्वेश्चन इज कि फर्स्ट सेम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट देर आर रियली वेरी रेयर चांस कि आपकी यू नो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अब क्यों? क्योंकि इसका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन में, कि उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो हम स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज रेफरेंस लेटर, सेकेंड थिंग इज ट्रांसक्रिप्ट, एंड द थर्ड थिंग इज फाइनेंशियल नीड, जो है आपको लिखना है 150 वर्ड्स में और समथिंग लाइक दैट। सो फर्स्ट है रेफरेंस लेटर। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो डेफिनेटली आपका कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बना होगा प्रोफेसर के साथ या ऐसा कुछ कि आप आते ही तुरंत अप्लाई कर दो, क्योंकि स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट मंथ में या ऐसा कुछ है कि उसमें आपको फिल कर देनी होती है। तो आते ही आपके एक मंथ में तो कोई आपको रेफरेंस लेटर देगा ही नहीं, क्योंकि आप अभी तो न्यू हो एनवायरमेंट में, ट्राई कर रहे हो कि सबके साथ अच्छे से कम्युनिकेट हो सके, अच्छे कनेक्शन बन सके, पर ट्राई कर सकते हैं। या सो मे बी मिल जाए। सेकेंड थिंग इज ट्रांसक्रिप्ट। तो अब ट्रांसक्रिप्ट तो हमें चाहिए, तो जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो आपको आपके पास कोई ट्रांसक्रिप्ट तो है नहीं, तो आप उसमें कुछ फिल नहीं कर सकते, आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते कि मैंने लास्ट टाइम इतने ग्रेड्स लाए थे ऐसा कुछ, तो मे बी एक माइनस पॉइंट वो भी है। एंड द थर्ड थिंग इज फाइनेंशियल नीड। सो देर इज वन सेक्शन कि वहाँ पे आपको ऐसे लिखना है 150 वर्ड 200 वर्ड्स ऐसा कुछ कि आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए, क्यों आपको हम दे। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे, राइट? तो उसमें आपका क्या कुछ एक इन्वॉल्वमेंट है कॉलेज के साथ कि आपको कॉलेज 2000 1000 ऐसा कुछ स्कॉलरशिप दे, डॉलर की बात कर रही हूँ। तो उसमें भी आपको अपनी वॉलंटियरिंग, ऑन कैंपस जॉब, प्रोफेसर का रेफरेंस लेटर, ये सब कुछ चाहिए। तो या मेक श्योर करना कि ये सब कुछ प्रिपेयर रखे आप स्कॉलरशिप के लिए,
एंड इट्स रियली अ गुड चांस. अगर आपको पता चले कि डेडलाइन क्या है तो प्लीज़, अगर नहीं मिले तो भी कोई नहीं, मुझे सेकेंड सेमेस्टर में नहीं मिली थी, थर्ड में मिली है, फोर्थ में अभी वेट कर रही हूँ. तो डोंट वरी, अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, उससे कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा और जो आप अप्लाई कर सकेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए. सो या, दैट्स ऑल फॉर द स्कॉलरशिप. अगर कुछ एक क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो. एंड अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट पार्ट, जो कि कैसे मैंने अप्लाई की थी. सो या, सी यू. ओके, सो सबसे पहले आपको टाइप करना है एक्सेस्टेड, देन यू हैव टू गो ऑन फर्स्ट लिंक, उसके बाद माय स्टूडेंट सेंटर, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके स्टूडेंट सेंटर अकाउंट में. तो यहाँ पे जाके डायरेक्टली यू हैव टू गो अंडर फाइनेंसेस, ऑनलाइन अवार्ड एप्लीकेशन, गो देयर एंड यू हैव टू साइन इन हियर. तो जैसे कि अगर आप साइन इन करोगे, वहीं पहले ही नोटिस आपको दी गई है, प्लीज़ सबमिट योर जनरल एप्लीकेशन बाय फेब्रुआरी 3rd टू बी कंसिडर फॉर ऑल विंटर 2023 ऑटो मैश बर्सरीज, राइट. सो ये है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सेमेस्टर में आपको फर्स्ट मंथ अराउंड कुछ दिया गया होता है, तो आपको चेक करना है हर बारी, हर सेमेस्टर यहाँ पे आके कि कौन सी डेडलाइन है. सो साइन विथ योर इंस्टीट्यूशन. ओके, सो जैसे ही मेरा यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया उन्होंने श्वेता रावल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाली गई है उसमें. सो यू हैव टू गो टू जनरल एप्लीकेशन फर्स्ट, गो देयर. सो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जनरल एप्लीकेशन फेब्रुआरी 3rd लास्ट डेट है एंड आपको क्या क्या फिल करना है. तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि सारी मेरी इंफॉर्मेशन है नीचे और जो कॉन्फिडेंशियल है. सो या, दैट्स द थिंग यू हैव टू फिल, दिस इज द जनरल फॉर्म. और जैसे ही आपको ये फिनिश हो जाए, अपडेट योर एप्लीकेशन यहाँ पे कर देना, उसके बाद जाना अपॉर्चुनिटीज एंड आवर्स. ये एक्चुअली है कोई स्कॉलरशिप फ्रॉम एनब्रिज एंड दैट्स द लास्ट डे टू अप्लाई. एंड ये रहा, जैसे मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे प्राइज मनी भी दिखाई देगा कि कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है. जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स दिखाई देगी कि क्या क्या है. यू हैव टू बी एनरोल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन दिस प्रोग्राम. एंड यहाँ पे सारा क्वेश्चन है क्यों अवार्ड ये आपको लगता है कि आपको मिलेगा. जाके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना, आपको फिर यहाँ पे एक फॉर्म है वो फिल करना है. जैसे मैंने बोला कि या यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड्स 1000, सो अराउंड आप ये यहाँ पे अपने हिसाब से आपका लिख सकते हो कि क्यों आप क्वालिफाई करते हो, क्यों नहीं एंड या एवरीथिंग. और एक बार यहाँ पे आवर्स में हो गया, आप सारा देख लो एक बार, ग्रेजुएट अवार्ड्स, ये कुछ भी अलग भी है. यहाँ पे प्राइज मनी नहीं दिखाई दी, पर लेट्स जस्ट चेक इट. ओके, या यू हैव टू अप्लाई. ओ यस, यहाँ पे है. ओ माय गॉड, दैट्स अ बिग थिंग. 20,000 टू 40,000, ओ माय गॉड. सो या, दैट्स अ बेसिक आइडिया कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है एंड एवरीथिंग. अगर आपको उसमें भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो एंड कमेंट बिलो. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइस.